नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप के कई रूप देखने को मिलता है। कभी बांसुरी बजाते रहते हैं, कभी कृष्ण की भूमिका में दिखते हैं। सावन का महीना शुरू है, इसमें भोले शंकर की प्रतिमा के रूप में देख रहे हैं। उनका लिबास भोले शंकर की तरह हो गया है। बिहार विधान परिषद में आरजेडी के मुख्य सचेतक से जब ये सवाल किया गया तो वो भड़क गए। आइए देखते हैं सुबोध कुमार राय किस तरह भड़क गए। बदल रहे हैं, अब शंकर जी के भेष में दिखे हैं अब तो, और कभी वो कृष्ण बन जाते हैं। ये सब बात यहाँ सदन का मुद्दा है, सदन देश की बात कीजिए ना, बिहार की बात कीजिए ना। इसे क्या विपक्ष न कर रहे, सदन में सवाल नहीं उठा रहे हैं आप? विपक्ष नहीं ना, देखिए ऐसा नहीं है, जनता के जुड़े सवाल हम लोग नहीं उठाते। जनता के सरकार आंसर देती है, सरकार तो आंसर जवाब नहीं देती है। तेज प्रताप आप पहले मुख्यमंत्री जी का हमको जवाब ला के दीजिए, उसके बाद हमसे जवाब लीजिए, जितना लेना है जवाब देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी का जवाब हमको पहले ला रहा है कि तेज प्रताप नहीं, सवाल आपने एक बार पूछा जो कुढ़न्नी के जो विधायक है, जो हत्या के मामले में उन पर नेम्ड FIR है, आपने कभी एक बार हम लोगों से पूछने का काम किया? उनके विपक्ष के लोगों से पूछने का काम किया, सत्ता पक्ष के लोगों से पूछने का काम किया? गुप्ता जी के बारे में आपने कभी एक बार पूछने का काम किया? तो दोहरी नीति नहीं अपनाइए, एक नीति से चलिए। पहले पूछिए सत्ता पक्ष से, विपक्ष जब सत्ता पक्ष से मैंने पूछा, उन्होंने बोल दिया है। केदार गुप्ता के बारे में क्या बोले? मैंने बोला नहीं, केदार प्रताप यादव को बोला कि तो ऐसा वेशभूषा बनाए। हम कहां ला रहे हैं क्यों वेशभूषा? वो अपने आप महुआ की जनता को क्यों? बिहार की बात कीजिए ना, बिहार की बात कीजिए, सुबोध कुमार की बात नहीं कीजिए, बिहार की बात कीजिए। लेकिन विपक्षी पार्टी में आरजेडी की सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, कांग्रेस ने तेज प्रताप को अपना निजी मामला बताया। जदयू के MLC हैं और मंत्री हैं नीरज कुमार, उन्होंने भी तेज प्रताप को उनका अपना निजी मामला बताया। आइए देखते हैं इन लोगों ने क्या कुछ कहा। बबूत लगाए हुए और तमाम तरह भोले बाबा के भेष में हैं। अब सावन का महीना है, भोले बाबा का पूजा भोले के भक्त लोग कर रहे होंगे, उनका वो तरीका होगा। अब वो किस रूप में है और कैसे अपने रंग रूप बदल रहे हैं, ये उनका अधिकार है। इस पर हमें आक्षेप या कोई प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं। चेंज करते हैं, कभी कुछ करते हैं, सदन में सवाल पूछते दिखते नहीं कभी। अच्छा, ये उनका अपना जीवन है, उन्हें अपने जीवन जीने दीजिए, इस पर कोई आपत्ति क्यों किसी को होनी चाहिए? जनप्रतिनिधि है वो, जनप्रतिनिधि है तो उनकी पार्टी उनसे पूछेगी, राष्ट्रीय जनता दल इस पर जवाब देगा। तेज प्रताप यादव रोज रंग बदल रहे हैं, अब आज भोले बाबा के रूप में बूत लगाए, वो बूत लगा के पूरा भोले बाबा का भी मना रहे हैं, कभी कुछ कृष्ण बन रहे हैं। अरे भाई, सावन का महीना है, इसे सोमवार को ही आमतौर पर परंपरा है, और सबका व्यक्तिगत अपना हक है कि कौन किस रूप में रहेगा, जनता उसको किस रूप में देखेगी, उनका निजी मामला है। लेकिन जनता जिस रूप में तेज प्रताप को देखना चाह रही है, तेजस्वी को देखना चाह रही है, उस तरह से सवाल पूछे नहीं जा रहे। तो महुआ की जनता, राघोपुर की जनता डिसाइड करेगी। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहें। सहयोगी अनिल के साथ मनोज नारायण सिंह, सनमार्ग लाइव, पटना।